गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू सिविल ज्ञान। तो आज है डे 7 और डे 7 में आज आपको करना है क्या है, रीजनिंग में कितनी टॉपिक्स को कवर करना है और जीके जीएस में आपको क्या करना है, तो आज मैं बताने वाला हूँ। तो अगर आप डे 7 में नंबर रीजनिंग पहुँच चुके हैं, आपने इससे पहले बहुत से टॉपिक कवर कर लिया है, तो आज आपको करना है नंबर बेस एनालॉजी को लगाना है और नंबर सीरीज को आपको लगाना है, ठीक है। तो ये दो टॉपिक आपको पढ़ना है टॉपिक में और इनके क्वेश्चन भी यहाँ से लगा लेना है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, आज का जो आज का टारगेट रहेगा वो आपको एसएससी सीएचएसएल के प्रीवियस ईयर एक पेपर लगाना है, ठीक है। तो ये आज आपका टारगेट रहेगा रीजनिंग के अंदर। अगर हम बात करें जीएस में, तो हिस्ट्री में आपको पढ़ना है पोस्ट मौर्यन को, ज्योग्राफी में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, स्पोर्ट आपको पढ़ना है स्टैटिक्स जीके में, और जितना आपने अभी तक डे 6 तक किया है वो यहाँ पे आपको एक प्रीवियस या सेक्शन टेस्ट आपको देना है, और शाम को आपको एक वीकली रिवीजन टेस्ट भी आपको देना है। तो आई होप मैं समझ सकता हूँ कि टेक्निकल और रीजनिंग और जीएस आपका स्मूथली चल रहा होगा। हो सकता है जीएस में आपको ज़्यादा समय देना पड़ रहा हो और कुछ टारगेट आपका पूरा कंप्लीट हो भी ना पाता हो। तो आप सबसे पहले वरीयता दीजिएगा टेक्निकल को, उसके बाद रीजनिंग को। जीएस में अगर आपका कुछ पार्ट छूट भी जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उसको नेक्स्ट ईयर कंप्लीट कर लीजिएगा, पर ज़रूर करिएगा। देखो जीएस में है क्या कि मैं ज़्यादा इसलिए फोकस नहीं करता आप सभी को कि इस पर जीएस में कोई फिक्स नहीं है, पर अगर रीजनिंग में है, अगर आप नंबर धीरे धीरे आप देखोगे रीजनिंग आपका नंबर 50 तक बढ़ सकता है, ठीक है। पर यहाँ पर कोई फिक्स रियोरिटी नहीं रहती है कि आपका नंबर इतना आ ही जाए, तो आपको ये ध्यान रखना है, करना तो है ही है। अभी तक क्या था कि आप कुछ नहीं कर रहे थे, पर अब थोड़ा थोड़ा था बहुत करते चलोगे ना तो आपको भी फ़ायदा करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है डे आपका 7, इससे पहले हमने डे 6 तक काम कर चुके हैं। तो जो अभी पहली बार इस सीरीज़ को ज्वाइन किया उनको बता देता हूँ कि ये मैं आपको रीजनिंग का और जीके का टॉपिक बताता हूँ कि आपको पढ़ना क्या है, कौन सा टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, उनको पढ़ने के बाद आपको टेस्ट कहाँ लगाना है। टेस्ट लगाने के लिए आपको टेक्स्ट बुक एप्लीकेशन पर जाना होगा, वहाँ पर आपको टेस्ट देना होगा। तो इस तरीके से आपको ये काम करना है, एसएससी के लिए बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयारी हो जाएगी, घबराने की बात नहीं है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट, तब तक के लिए थैंक यू।